जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला रामबन के कुंडीक्रोल इलाके में शनिवार की देर रात राजा शंखपाल देवस्थान में शरारती तत्वों द्वारा आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए देवस्थान की तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद से समुदाय में कड़ा रोष है। इस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही डीडीसी पार्षद रामबन रेणुका कटोच ने राजा शंखपाल देवता के देवस्थान पर जाकर स्थानीय लोगों से घटनाक्रम की जानकारी ली और इस मामले की कड़ी कार्रवाई के लिए रामबन पुलिस से अपील की है। डीडीसी पार्षद ने कहा कि ये एक अफसोसजनक घटना है। यहाँ पूरे रामबन जिला में हजारों साल पुराने देवस्थल इसी तरह से आबादी से दूर जंगलों में है, लेकिन अगर बात की जाए तो जब 90 के दशक में आतंकवाद चरम पर था तब भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जो हैं सांप्रतिक समुदाय को बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस स्टेशन रामबन में इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, यहाँ पे बहुत अफसोसनाक घटना हुई है। ये हमारे हजारों साल पुराने देवस्थल हैं और कुछ शरारती तत्वों ने इसे, हमारे जो कम्युनल हारमोनी है उसे बिगाड़ने का प्रयास किया है। मैं अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगी कि जल्द से जल्द जो कल्पित हैं उनको सजा दी जाए और जो यहाँ के नागरिक हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि पुलिस के साथ अपना उनके साथ सहयोग करें और जल्द से जल्द कल्पित को ढूंढने में उनकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रामबन से शान की रिपोर्ट।